हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू होरियम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो ये वीडियो खासकर अपडेट है एक रिजल्ट्स को लेके कि 14 अक्टूबर से वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा के रिजल्ट स्टार्ट होने थे, तो आज है 15, तो कल से रिजल्ट्स एज़ पर जो उनकी डेट थी। तो आप सबका इंतज़ार था कि हमें ईमेल आएगी या रिजल्ट्स कुछ पता लगेंगे। इसी के ऊपर अपडेट है कि कैसे सिनेरियो है, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, तो किस तरह से ये सारा सिस्टम चलेगा। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ताकि आपकी होप बनी रहे और आपको पता लगे कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट सिस्टम, कैसे ये होना है। ठीक है, बाकी अगर आप अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा के लिए, अगर आप जानना चाहते हैं क्या है ये, तो वीडियोज़ आप चेक कर लें, हमारे ऊपर बटन में हमने दे रखे हैं, आई बटन में, यू कैन चेक दैट। और अगर आप हमारे से अप्लाई करवाना चाहते हैं, सो यू कैन ऑल्सो अप्लाई थ्रू अस। और जिनका बैलेट में नाम आ गया है, दोज पीपल आर ऑल्सो वेलकम, बिकॉज बैलेट में आना इज़ नॉट कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। बैलेट का मतलब है कि आप मेन फाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप मेन फाइल हमारे से अप्लाई कराना चाहते हैं और मीटिंग में डिस्कशन करना चाहते हैं किस तरह से सारा कुछ होगा सिनेरियो, यू कैन बुक ए जूम स्लॉट एंड कॉन्टैक्ट अस। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो ये अपडेट आपको देते हैं कि जैसे आप सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 14 अक्टूबर से ईमेल्स आनी शुरू हो जाएंगी और बैलेट ओपन हो जाएगा, तो कुछ चारों तरफ न्यूज़ फैलेगी एंड दैट, तो वैसा कुछ हो नहीं रहा है। तो काफ़ी हमारे को फ़ोन एंड ईमेल्स आए कि क्या बना। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ कि यस, 14 को उन्होंने लिखा था कि हम रिजल्ट्स निकालेंगे, तो हो सकता है कईयों के निकल भी गए हों। बाकी जो हमारे थ्रू एप्लीकेंट्स थे, हमारे को कोई ईमेल नहीं आया। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दी जाए कि जिनका सिलेक्शन होगा सिर्फ ईमेल उनको आएगी, तो ये आप ध्यान में रखिए बात। जैसे होता ना, कोई वीज़ा जब आप अप्लाई करते हो तो रिफ्यूज़ल भी आता है और ग्रांट लेटर भी आता है, तो ये वीज़ा नहीं है। सबसे पहली बात, ये एक प्रोसेस है जिसमें आपने अप्लाई किया है ताकि आपका अगर सिलेक्शन हो तो मेन फाइल में आप अप्लाई कर सको। ठीक है, तो इस प्रोसेस में उन्होंने डिक्लेयर किया था पहले ही, वो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि सबको पता लग जाए कि होना कैसे है। तो सबसे पहली बात, अगर 14 अक्टूबर को आपका नाम नहीं आया है तो आप घबराए मत, आप अपना रजिस्ट्रेशन लेटर चेक कीजिए, उसमें लिखा हुआ है 30th अप्रैल 2025 तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप का जो नाम है अगर 14 अक्टूबर को नहीं आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैलेट से बाहर हो गए, आप बैलेट में लाइव हैं, मतलब आपका नाम बैलेट में डला हुआ है। आप सिंपल भाषा में सोचें तो एक पूरा टोकरा है जिसमें आपके नाम की पर्ची है, उस पर्ची को ये बार बार निकालेंगे रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर। ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस तारीख को पर्ची निकालते हैं, उन्होंने इन्फॉर्मेशन ये दी थी कि 14 अप्रैल से हम पर्चियाँ निकालनी शुरू करेंगे। हो सकता है 14 अप्रैल को उन्होंने पर्ची कुछ निकाली हो, बट हमारे जो एप्लीकेंट्स थे उसमें उनमें से नहीं आया। अब जिसकी पर्ची निकलेगी उसको ईमेल तुरंत जाएगा, ये मैं आपको बड़ी सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ सिस्टम कैसे है। तो जिनका 14 को सपोज एक आधे का आ भी गया, बाकी सब निराश ना हो, आपकी पर्ची टोकरे में है और ये 30 अप्रैल 2025 तक टोकरे में रहेगी, और इस टोकरे में से वो पर्चियां निकालते रहेंगे। तो मतलब आपका चांस फुल है, निराश नहीं होना है। अगर 14 अक्टूबर को ईमेल नहीं आई तो अप्रैल तक आप अपनी होप्स हाई रखिए, कभी भी आपका नाम आ सकता है, क्योंकि जिस जिस इंटरवल पे वो डालेंगे उसमें पर्ची निकालेंगे, अपना हाथ डालेंगे, पर्ची निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, तो आपका चांस बराबर का है आने का, तो अपनी होप बनाए रखें। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। नंबर दो, रिजल्ट का सिलेक्शन का ईमेल सिर्फ उसी को जाएगा जिसका नाम आया है, दूसरे किसी को नहीं जाएगा। तो मतलब क्या होगा इसका, अगर होपफुली अगर आपका आ जाता है तो आपको ईमेल आ जाएगी, अगर जिसने हमसे अप्लाई किया है अगर उसका ईमेल हमारे पास आएगा कि ये बच्चा सेलेक्ट हो गया, हम उसको इन्फॉर्म करेंगे, फिर मेन फाइल की तैयारी करेंगे और मेन फाइल लगाएंगे। अब बाकी जो है जिनका ईमेल नहीं आई, तो 30 अप्रैल 2025 तक उनका नाम उसमें एक्टिव रहेगा बैलेट में, रिसीव्ड में, और उसके बाद जब 30 अप्रैल तक भी अगर आपका नाम ना आया तो उसके बाद आपके जो स्टेटस रहेगा उस पर वो एक्सपायर्ड लिख देंगे कि आपका अब रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो चुका है, ये 30 अप्रैल के बाद है, तो तब वो ऑल टुगेदर फिनिश है। अभी फिनिश नहीं हुआ है, अभी गेम चालू है, फिल्म तो अभी शुरू हुई है।
राइट, 14 अक्टूबर से उन्होंने नाम निकालने शुरू किए हैं। अब ये एक चीज़ और आपको बता दें, इसमें एक अपडेट इस रिलेटेड ये भी है कि वो ये भी कह रहे हैं कि 31 तक तो हम अभी ओपन ही है बैलेट, मतलब ओपन ही है रजिस्ट्रेशन। वो ये भी कह रहे हैं कि 31 को रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद हम चाहें, यानी एम्बेसी चाहे तो दोबारा भी रजिस्ट्रेशन ओपन कर सकती है, और हमारे हिसाब से वो दोबारा ओपन करेगी। अब इसका रीज़न क्या रहेगा, उसका रीज़न ये है कि उनको भी मालूम है कि बैलेट में जो आएगा उसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास वो सब कुछ है जो ऑस्ट्रेलिया को चाहिए। समझे बात, प्रोफाइल की बात हो रही है। बैलेट में जिसका नाम आएगा उसकी प्रोफाइल चेक की जाएगी और उसके हिसाब से उसको वीज़ा ग्रांट करेगा। अगर वो प्रोफाइल उस हिसाब से नहीं है या वो प्रेजेंट नहीं कर पाया, व्हाटएवर द रीज़न इज़, तो वो उसको रिफ्यूज़ कर देंगे। ये उनके दिमाग में है, तो दैट्स वाई दे आर सेइंग कि हमें नहीं लगता कि हमें पहले बैलेट में जो फर्स्ट अभी रजिस्ट्रेशन ऑन हो रही है कि उसमें उनको 1000 कैंडिडेट्स मिल जाएंगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 1000 नाम नहीं निकलने, नाम काफ़ी ज़्यादा निकलेंगे। और अपडेट अब तक जो हमारे पास आई है, अप्रॉक्सीमेटली 40,000 लोगों ने अब तक अप्लाई कर दिया। 40,000 इंडियंस हैव अप्लाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन टिल नाउ। तो इस 40,000 में से हमारे आगे भी अभी आई थिंक अगर 15 तारीख तक 40,000 हो चुके हैं तो नेक्स्ट 15 तक 40-50 और हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से 1,00,000 तक ये फिगर जाएगा। अब 1,00,000 में से 1,000 को वीज़ा मिलना है, अब 1,000 वीज़ा मिलना है, लेकिन नाम जो हैं मेरे हिसाब से कम 15,000 से 20,000 नाम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो निकालेंगे। ये मैं बिल्कुल पूरा लमसम आपको बता रहा हूँ कि 15,000 से 20,000 के बीच बीच में नाम आएंगे, तो उसमें हो सकता है आपका नाम भी आए। और जब आपका नाम आए उसके बाद फिर हमारा काम शुरू होता है कि आपकी प्रोफाइल को बेस्ट वे से, बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन से प्रेजेंट करना ताकि आपका ग्रांट हो जाए। राइट, तो जो लोग जिनका ईमेल नहीं आई अभी तक वो उम्मीद बना के रखें, और जिनकी ईमेल आ चुकी है लकी वंस, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टू फाइल द मेन फाइल। यू आर वेलकम, नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, यू कैन लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट टू कॉन्टैक्ट अस, hariomconsultants.com। ठीक है जी, तो ये कि बैलेट अभी जो ड्रॉ है 14 अक्टूबर से स्टार्ट तो हो गया है, लेकिन जिसका नाम नहीं आया तो वो निराश ना हो, उम्मीद बनाए रखें, ऑल द बेस्ट। आपका 30 अप्रैल तक कभी भी नाम आ सकता है, पॉइंट वन। पॉइंट टू, आप ये कतई मत समझे कि सिर्फ 1000 नाम निकालेंगे और ख़त्म हो जाएगा काम, नाम काफ़ी ज़्यादा 10 times या 11 times नाम निकलेंगे। नंबर थ्री, जिनका बैलेट में नाम आ गया है तो वो ये उम्मीद ना लगाएं कि आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा ही आएगा। रिज़ल्ट पॉजिटिव लाने के लिए काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ये गलती मत कीजिएगा, कॉन्टैक्ट अस एंड वील डू फॉर यू। ठीक है, नंबर फोर, जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे बैलेट के ड्रॉ में उनको ईमेल मिलेगी, और जिन्होंने हमारे से अप्लाई किया तो हमारे पास वो ईमेल आएगी, हम शेयर करेंगे। और जिसकी ईमेल नहीं आई है तो वो ऑटोमेटिकली समझ ले कि उसका नाम नहीं आया, लेकिन ये समझे तब जब रजिस्ट्रेशन जो सिलेक्शन पीरियड सब ख़त्म हो जाएगा, और वो क्या है, वो है 30 अप्रैल 2025। 30 अप्रैल 2025 के बाद आप ये सोचें कि अब ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं बनने वाला, बट तब तक कीप योर होप्स हाई। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ लग गया बैलेट प्रोसेस क्या है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।